पाकिस्तान की पनाह में आतंकी दूसरे देशों की सीमा लांघकर दहशतगर्दी फैलाने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान की शह से ही आतंकियों के हौसले बुलंद हैं। सीमापार से बढ़ रही आतंकियों की घुसपैठ से ही भारत पाकिस्तान के बीच पड़ी दरार गहरी हुई है। इस बात को भारत कई बार दोहराता आया है। अब दुनिया के सुपर पावर ने भी माना है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह पाकिस्तान का आतंकियों को बढ़ावा देना है। अमेरिका ने दावा किया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत और अफगानिस्तान में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डेनियल कोट्स ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों का खात्मा करने में विफल रहा है। ये आतंकी संगठन एशिया में अमेरिकी हित के लिए घातक बने हुए हैं। डेनियल ने कहा कि ये आतंकी संगठन भारत और अफगानिस्तान में लगातार हमले की योजना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बिगड़ते भारत और पाकिस्तानी संबंधों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि अगर इस साल सीमा पार से कोई बड़ा हमला होता है तो यह संबंध और बिगड़ सकते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक डेनियल कोट्स ने कहा कि पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी जांच में कोई प्रगति नहीं होने की वजह से 2016 से द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आने लगी थी। पाकिस्तान ने जब आतंकियों को पकड़ने में भारत की कोई मदद नहीं की तो इस वजह से हालात ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में मिठास खोलने की कोशिश करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दुश्मनों से भी बदतर सलूक किया है। इस बात को अब अमेरिका ने भी माना है। देखते रहिए डीबी लाइव।